अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम द बैक न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना, शुक्रिया। तो अभी मैं हम जो बेबी पिजन्स हैं उनको लेके बाहर जाएंगे। काफ़ी दिनों से उनको लेके नहीं गए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बैठे हैं अपनी बेबी पिजन्स, तो अभी इनको ये दूसरे डब्बे के अंदर शिफ्ट करेंगे। इस खाना को खोलते हैं पहले, चल अंदर चला जा। तो काफ़ी दिनों से इनको बाहर में नहीं लेके गया हूँ। काफ़ी ये अभी इनकी तबीयत भी सेट नहीं है, काफ़ी आँखों का मसला है, कबूतरों में चल रहा है। तो अभी यहाँ से लेके चलते हैं। तो गाइस अभी हम नाना कानाल पे आ चुके हैं, साथ में आप देख सकते हैं अली अकबर पीछे से आ गया है। तो यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बाकी साइड में आपको नज़र आ रहा है बेबी पिजन बैठे हुए हैं पिंजरे के, हम अभी भी अंदर हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हैं ये पूरा पानी है, पानी है। तो मुझे लग अगर मैं कपिजन्स को खोल दिया तो हो सकता है पानी में जा सकते हैं, मगर ये चाहेंगे नहीं। तो पहले इनको निकालते हैं बाहर। तो अली अकबर के कंधे पे इनको बिठा देते हैं। तो आप देख सकते हैं अली अकबर के कंधे के ऊपर मैंने बिठा दिया है, बाकी दूसरे को भी निकालते हैं। तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से ये टहलते रहेंगे कि बाहर का मौसम है और लोगों को देखेंगे तो ये डरेंगे नहीं, क्योंकि आप देख सकते ये उड़ गया। आ जा। तो ये जाएगा तो नहीं, मुझे इतना यकीन है नहीं जाएगा, क्योंकि बचपन से इनको दाना अगर हाथ से दे रहा हूँ तो ये अभी हमसे डरेंगे नहीं, क्योंकि ये जो परिंदे अपने हैं तो बचपन से इनको थोड़ा लकवा हो गया, आँखों का थोड़ा मसला आता है, तो तब से ट्रीटमेंट और दाना हाथ पे इनको दे रहा हूँ। माशाल्लाह से अभी ये सेट है। आ जा इधर आ जा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, अभी ये पता नहीं कौन, अभी ये भूखे वगैरह नहीं है होते। तो यहाँ पर मेरे भाई, छोटा भाई, वो लेके आता है। तो नारा कैनल पे इस तरह बैठे रहेंगे, बाकी इधर आ जा, देखो इधर आ जा। तो देखते हैं पीछे आते हैं नहीं आते, ये उधर बैठे रहते हैं। आ जा इधर आ जा। क्योंकि छोटा है बेबी है, उसको थोड़ा लकवा है, लाल दो बार है उसको लकवा है, बाकी सफ़ेद को लकवा वगैरह नहीं है। आ जा इधर आ जा। क्योंकि अभी भूखे नहीं है, भाई ने 2 घंटे पहले इनको दूसरी मरतबा दाना वगैरह दे दिया है। तो अब देख सकते बिल्कुल भी नहीं डर रहे भाई। आ जा इधर आ जा। नहीं आ रहे भाई, ये इनको भूख ही नहीं है, अगर भूख होती तो आ जाते एकदम। जो है आँखों का मसला चल रहा है, इस वजह से काफ़ी नर्वस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बैठे हुए कितनी इनका शुगल, तो भाई मज़े क्या हो गया। बाकी इधर हम भी बैठे हुए हैं, इनके साथ ही बैठे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर इधर उधर टहलते रहेंगे, क्योंकि अभी इनको जो पोट है इनका भरा हुआ, इनको भूख वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं आँखों का मसला, थोड़ा गले का मसला है, तभी आप बार बार मुंह खोल रहा। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इधर छोड़ दे, मैं आपको दिखा दे, नीचे छोड़ मैं आपको दिखा देता हूँ। कबूतर ने तो अली अकबर के पीछे बीट कर दी, मैंने बोला कि डर रहा है क्या मसला है। तो इसको अभी पानी अंदर धोएंगे। आ जा इधर आ जा। अली अकबर की पीठ से हमने पानी से धो दी है, बाकी ये बेबी यहाँ में बैठा हुआ है। तो गाइस कबूतर को नारा कैनल के किनारे पे छोड़ दिया है, बाकी आ जा इधर आ जा। तो भाई पता नहीं क्या मसला है, सीन इसके साथ क्या पता है सीन है। आ जा इधर आ जा। आप देख सकते हैं इनकी आंखों में थोड़ा धुंध वगैरह नज़र आ रहा है मुझे भी। अलिया इधर ले क्या लाल को लेके आ इधर डुगू को लेके आ। तो अलिया को देखना ना नज़र आ रहा है, ये लेके आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हाथ पे बिठा दे। छोड़ दबा के नहीं पकड़ना है भाई। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों। अली अकबर बिठा दो, ऊपर बिठा दो, क्योंकि साइड में बच्चे बराबर में ये ना रहे तो उनसे थोड़ा डर रहे हैं, ऊपर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी हम तो इधर कोने में बैठे हुए हैं, इनको दे रहे हैं, बाकी ये इधर फुल मस्ती में सर पे जा रही नहीं है भाई एकदम से, आप देख सकते हैं जा रही नहीं है, इधर ही बैठे हुए। अली अकबर ऊपर बिठा दिया, अभी बैठा रहेगा। मज़ा आ रहा है। आपको लग रहा है ये बोल रहा है नाखून वगैरह लग रहे हैं क्या? इधर कैमरा के सामने बोल, देख के बोल, रिएक्शन देखो। इसके नाखून काफ़ी तेज होते हैं, तो ये चला गया जो ऊपर कैमरा के ऊपर बैठना चाहता है मगर नीचे गिर गया। हम जा रहे हैं अपनी परंदों को साथ में लेके, क्योंकि 1 घंटा इनको वहीं पर रेस्ट दिया, कह रहे थे क्या। बाकी आज मौसम काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, हवा भी काफ़ी तेज़ चली है, ऊपर से बारिश का थोड़ा सा मौसम हो गया, तो अब
यहाँ से चलते हैं घर पे। तो फ्रेंड अभी दोबारा से अपने पन्नू के पास आ चुके हैं छत पे, क्योंकि मैं उन्हें दिखा भी देता हूँ, क्योंकि उनको सब कबूतरों जो छोटे बेबी हैं से उनको बाहर से घुमा फिरा के वापसी उसी जगह पर छोड़ दिया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने परंदे बैठे हुए दाना वगैरह खा रहे हैं। तो अभी ये पानी फटाफट से ज़ाया करते हैं, ये हो गया ओपन। तो ये पानी भाई बीट वगैरह पानी है तो ये ज़ाया कर देंगे, ये हो गया ज़ाया। बाकी मशाल दाना वगैरह कबूतर खा रहे हैं, बाकी कबूतर कुछ ऊपर बैठे हुए, बाकी माशाल्लाह कबूतर बैठे हुए सबके सब। तो फिलहाल ये पानी काफ़ी नहीं है, ठंडा अभी, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। बाकी परंदे अपने माशाल्लाह से बैठे हुए हैं सबके सब। दो कबूतर ये बैठे हुए हैं साइड में, पता नहीं किसका कबूतर आके छत के ऊपर बैठ गया है, शायद किसी पड़ोसी का कबूतर आके बैठा हुआ है। मैं आया था अपनी पन्नू को देखने के लिए भाई, बाकी जो अंदर से है मेरे भाई ने चारों लोफ्ट को अच्छे से चेक किया है, सब कबूतर हेल्दी एक्टिव है। एक कबूतर थोड़ा सा नजरा जुकाम हो गया था, उसको मैं भाई ने गोलियां वगैरह दे दी है, बाकी वो फिट हो गया अभी माशाल्लाह से। बाकी फैंसी कबूतर बेबी सेट है, सब कबूतर माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव है, मगर एक नीला कबूतर भाई ने बताया था, छोटे भाई ने, काफ़ी हाइट में चला गया, क्योंकि ऊपर से थोड़े थे बारिश टाइम का मौसम, थोड़ा बारिश टाइप का हो गया है, कभी धूप निकल रही है कभी बारिश टाइप मौसम हो रहा है, तो इस वजह से नज़र ही नहीं आ रहा है ऊपर, काफ़ी हाइट में नज़र ही नहीं आ रहा है, इतनी हाई फील आ रहा है तो लाजमी बात है नज़र ही नहीं आएगा, वो आसमान बंद रह के उड़ता है। बाकी ट्रीटमेंट लगे कबूतर अभी थोड़े से भाई दाना वगैरह दे, थोड़ा सा इनको ओपन किया हुआ है, बाकी 2, 4, 6, 8, 9 कबूतर अभी भी ट्रीटमेंट है, सामने आपको नज़र आ रहा है, तो काफ़ी रिकवर हो चुके हैं, मगर ये आज या सुबह ये भी चले जाएंगे, क्योंकि कोई दोस्त है वो ब्रीडिंग के लिए लेना चाहता है, क्योंकि अच्छे कबूतर नस्ल वाले कबूतर है, तो वो ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल मांग रहा था, तो मैंने सोचा वो काफ़ी तो लकवे झोले में काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। उसने कहा मुझे देते आप क्या क्या उनको चीज़ें खिलाते हो, तो वो सेम है उनको खिलाऊंगा, जल्दी रिकवर हो जाएंगे, तो मेरे पास अंडे बच्चे देंगे माशाल्लाह से, नस्ली कबूतर है, तो मैंने उनको दे दिए, शाम को चले जाएँ या सुबह को चले जाएँ भाई। भाई आ गई है चने, ये चने काले चने इतनी ये खाती है पूरा दिन, देख रहे हो मैं नीचे बैठूंगा तो मेरे पीछे आएगा, आप देख सकते हैं ये काले चने इतनी खाती है, इतनी शौक से खाती है, आप देख सकते हैं आ रही है, तो इसी तरह से आती रहती है। तो गाइस ये काले चने की इतनी शौकीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप नजर आ रहा है को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप दोस्तों का प्यार और सपोर्ट चाहिए तभी तो भाई आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो इतनी है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब हाथ दे बेल आइकन प्रेस करना, और अपना सारा ख्याल रखिएगा, दो में क्या तब तक अल्लाह हाफिज़।